पुलिस वाला डचेस को पकड़ रहा होता है, बट इतने में कैथरीन आता है कि इसको छोड़ दो, कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ ये प्रोस्टिट्यूट नहीं है। वो पुलिस वाला भी कैथरीन की बात सुनकर एकदम मान जाता है और उसको मिस्टर कहकर संबोधित करता है। हैरान हो जाती है कि तेरे को मिस्टर क्यों बुला रहे हैं, इसका मतलब तो ठरके है, मतलब तो जेल में आता जाता रहता है। जिस पर कैथरीन भी हाँ करता है और वो पुलिस वाला भी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है कि हाँ ये ठरकी है, चोर है, ये तो यहाँ आता जाता रहता है। डचेस जब पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तो कैथरीन को पूछती है कि तू यहाँ कैसे। कैथरीन बताता है कि मेरे को तेरे फ्रेंड्स ने बताया, और वो डचेस को टीज करते हुए बोलता है कि अगर तेरे को उस तरह की सर्विस में ज्यादा इंटरेस्ट है तो तेरे को मेरे पास आना चाहिए ना। पर डचेस उसे चुप करते हुए बोलती है कि चुप रहे तो चोर ठरकी कहीं का, लाइक उसको गालियाँ दे रही होती है। कैथरीन, मैंने तेरे को भी बचाया ना, तेरे को मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं तो बुलाऊं मैं पुलिस को। जिस पर डचेस की टोन एकदम से चेंज हो जाती है और वो बोलती है कैथरीन को कि चल मैं तेरे को खाना खिलाती हूँ, लाइक पैसे मैं दूंगी खाने के। देन कैथरीन उसको एक ढाबे पे ले आता है एंड डचेस भी लाइक कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते। वहाँ का खाना देखकर डचेस के मुंह में पानी आ रहा होता है, बट स्टिल वो अपने आप को कंट्रोल करती है। इतने में एक जंबो साइज का वेटर बिल लेने के लिए आता है। डचेस पहले तो उसको अंकल बोलते हैं, जिस पर वो एकदम से चिढ़ जाता है, पर जब वो उसको रिस्पेक्ट देती है तो वो मोटा बड़े प्यार से बिल मांगता है। एंड डचेस जब उसे ऑनलाइन पे करने की कोशिश करती है तो उसका कोई कार्ड नहीं चल रहा होता है। एंड वो अपने बैंक पे भी कॉल करती है, वो भी बोलते हैं कि भाई आपके अकाउंट सारे डीएक्टिवेट हो चुके हैं। कैथरीन को उसके फादर का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और इतने में डचेस बोलती है कि मेरा पीजी सामने है, मेरे को पीजी तक जाने दो, मैं वहाँ से पैसे लेके आपको दे देती हूँ। पर मोटा सोचता है कि भागने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो डचेस से बर्तन मंजवाने लग जाता है, लाइक अगर पैसे नहीं है तो बर्तन मांजो। इतने में डचेस अपने फादर को कॉल करती है और उसके फादर उसको बोलते हैं कि तू पैसे ना एकदम पानी की तरह बहा रही थी, इसीलिए मैंने तेरा कार्ड सारे बंद करवा दिए और तेरे को हर हफ्ते हमेशा 1000 रुपए ही मिलेंगे खाने के लिए। कैथरीन अपने फादर के पास बैठा होता है। अच्छा तो इसके फादर पुलिस अफसर है, तब भी वो पुलिस वाला इससे बहुत इज्जत से बात कर रहा था। उन दोनों की बातों से हमें ये पता लगता है कि कैथरीन की उसके फादर से बनती नहीं है। एंड कैथरीन के फादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि आवारागर्दी छोड़ के पढ़ाई कर। कैथरीन अपने फादर के सामने तो बड़ा अच्छा जवाब दे के आ जाता है, अगर यही बात बोलनी थी तो फोन पे बोलते, इससे आपका और मेरा टाइम बचता। पर बाहर जाके बंदा एकदम से रिलैक्स होता है, लाइक बंदे की भी हवा टाइट थी अपने फादर के सामने ये बोलने के लिए। उन्हें लाइक खुश हो रहे होते हैं कि डचेस के इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। एंड डचेस रो रही होती है बिकॉज उसके पास पैसे नहीं होते, और वो अपने फ्रेंड्स को भी सारी सिचुएशन बताती है। रिची क्लब का मेंबर बनने के लिए मेरे को अपना फाइनेंशियल डाटा भी दिखाना पड़ेगा, बट मेरे बैंक अकाउंट में इस टाइम 50 कौड़ी तक नहीं है कि लाइक मैं क्या करूंगी। इतने में वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रही होती है, लाइक क्राउन और मिस इंडिया वाला जो होता है, मतलब ले दे के डचेस के पास इस हफ्ते के लिए कुछ नहीं पैसे रहते। इतने में डचेस को रिच क्लब से मैसेज आता है कि क्लब में आओ और अपने बारे में सब कुछ बताओ। एंड रिच क्लब में लाइक सिलेक्शन का डे आ जाता है। वहाँ जाकर डचेस जजेस को अपने फादर के बिजनेस के बारे में और अपने ब्रांड्स के बारे में सब कुछ बताने लग जाती है। और एंजल बन उसे बार बार टोक रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो रिच क्लब की मेंबर बने। एट लास्ट तंग होकर जजेस भी बोल देते हैं, अगर तू बार बार इंटरप्ट करेगी तो हम तेरे को बाहर निकाल देंगे। एट लास्ट जब डचेस का बैंक बैलेंस दिखाने की बारी आती है तो बंदी पहले बहाना मारती है, जब उसका कोई बहाना नहीं चलता तो बंदी बेहोश हो जाती है। देन डचेस घर पर होती है और उसको मैसेज आता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर उसको अपना बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा अगर उसे रिच क्लब का मेंबर बनना है। डचेस को भूख लग रही होती है, वो अपना फ्रिज खोलती है और उसमें जस्ट कॉस्मेटिक फेशियल क्रीम होती है, और भूख की मारी वो क्रीम को ही खाने का ट्राई करती है, बट वो इतनी कौड़ी होती है कि उसको गागल्स करने पड़ते हैं। देन वो अपने पर्स और अपने कपड़ों में से चिल्लर ढूंढने लग जाती है ताकि उसके पास पैसे हो, ताकि वो खाने के लिए कुछ ले सके। और वो पीजी की वॉशिंग मशीन में भी पैसे देखने लग जाती है, इसी बीच वो वॉशिंग मशीन में फंस जाती है। लकीली कैथरीन भी वहाँ से जा रहा होता है, इसलिए वो डचेस को उस मशीन से निकालता है। एंड डचेस को कैथरीन एक फ्राइड फिश दिख रहा होता है, इसलिए वो कैथरीन को काटने लग जाती है, लाइक खाने लग जाती है। देन सीन पीजी वाली आंटी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ डचेस एकदम भुक्कड़ों की तरह खाना खा रही थी। अब बेचारी ने इतने टाइम से खाना नहीं खाया होता, भूख तो लगी होती है, और वो आंटी से बहाने से लाइक और फिशेस भी मांगती है खाने के लिए। कैथरीन को डचेस का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए उसको पुराने नाम से ब्लैकमेल कर उसको आंटी के रूम से बाहर ले आता है। एंड उसे भी समझ आ जाता है कि डचेस के पास पैसों की कमी है, एंड वो उसको पूछता भी है। स्टार्टिंग में डचेस झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट कैथरीन समझ आता है और एट लास्ट डचेस भी सब सच बता देती है कि लाइक हाँ है मेरे पास पैसों की कमी। देन कैथरीन अपनी स्कूटर की डिक्की में से पैसे निकाल कर उसको देता है, और डचेस का रिएक्शन, ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए, तूने चोरी किए, ठरकी तो मेरे को सच बता। कैथरीन, अबे चुप कर, ये वही पैसे है जो तू मेरे को हमेशा देती रहती थी, मैंने उनमें से कुछ नहीं खर्चा। ये देखकर तो डचेस इतनी खुश होती है कि उसको कैथरीन एक एंजल की तरह दिखने लग जाता है जिसने इतने हार्ड टाइम में उसकी हेल्प करी। लाइक वो खुशी से उसको हग करती है और बहुत बटरिंग करती है कि तू बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मॉर्निंग डचेस अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि रिच क्लब ने मेरे को अपने बैंक अकाउंट को दिखाने के लिए बोला है अगले 7 दिनों में, बट मेरे बैंक में तो कुछ भी पैसे नहीं है कि लाइक क्या करूं मैं। इतने में वहाँ पे कुनखाओ आता है और उसके फ्रेंड्स उसको इशारों में बोलने लग जाते हैं कि तो कुनखाओ से हेल्प ले, लाइक कि ये सीन यहाँ पे थोड़ा काइंड ऑफ फनी है। एट लास्ट डचेस एकदम हिम्मत करके कुनखाओ से पैसे उधार मांग ही लेती है कि मुझे पैसे उधार चाहिए, मेरे को ये पैसे जस्ट शो ऑफ करने हैं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं खर्चूंगी और ये पैसे तेरे को सूद समेत वापस भी कर दूंगी। और कुनखाओ भी बिना कोई सवाल पूछे एग्री कर देता है और 10 मिलियन देने की बात करता है कि अपना अकाउंट नंबर बता तभी तो तेरे को पैसे भेजूंगा। देन उन्हें कैंप के लिए जाना होता है, इसलिए डचेस और उसके फ्रेंड कैंप का सामान लेने दुकान में आए होते हैं। और टचेस के फ्रेंड्स उसको हवा चढ़ा देते कि खुन खाओ, तेरे को पसंद करता है, उसने तेरे को 10 रुपये नहीं दिए, 10 मिलियन दिए हैं, वो भी बिना किसी सवाल के। और उसी शॉप में क्रैथिंग भी होता है जो डचेस को सुनाने लग जाता है, अच्छा तूने कुनकाओ से उधार लिए, वो सड़े हुए क्लब में मतलब एंट्री लेने के लिए लाइक बहुत कुछ सुनाता है। इस बात को लेकर डचेस को भी गुस्सा आता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है, लाइक बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती है और लड़ते लड़ते दोनों टेंट के अंदर गिर जाते हैं। दोनों में एक प्यारा सा मोमेंट क्रिएट होता है बट स्टिल दोनों लड़ रहे होते हैं। एट लास्ट लड़ाई को रोकने के लिए कैथरीन डचेस को बोलता है कि अगर तू लड़ना बंद नहीं करेगी तो मैं तेरे को इशू कर दूंगा, लाइक चिल्लाना बंद नहीं करेगी। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सभी मिलकर कैंप के लिए जा रहे थे जिसमें चश्मिश, कैथरीन, कुनखाओ, डचेस और ब्लैकी और ब्राउनी होते हैं। और डचेस की हरकतें देखकर उसकी फ्रेंड लाइक ब्लैकी ब्राउनी को बोलती है कि इसकी हरकतें देखकर कभी कभी मेरा मन करता है कि काश मैं इसकी फ्रेंड ना होती। डचेस को कुनखाओ से एकदम अच्छे से बात करता देखकर यहाँ पे कैथरीन जल रहा होता है। सडनली ब्लैकी का क्रैथिंग पर क्रश आ जाता है। डचेस जब बस में कुनखाओ के साथ बैठी होती है, इतने में वहाँ पे क्रैथिंग आता है लाइक जेलस की वजह से, और वो उन दोनों के बीच में जाके बैठ जाता है। लाइक वो चाहता ही नहीं कि डचेस कुनखाओ के साथ बैठे। तीनों एंजलों को गुस्सा चढ़ रहा होता है कि डचेस रिच क्लब में कैसे आ सकती है। इतने में सेकंड एंजल डचेस के फादर का इंटरव्यू बताते हैं जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि हम पहले गरीब थे, हम पहले स्लम एरियाज में भी रहे हैं, लाइक झुंगी झोपड़ी। कुनखाओ और क्रैथिंग कैंप लगा रहे होते हैं, अरे तंबू गाड़ रहे होते हैं, और डचेस भी उनको अपने तंबू देके चले जाते हैं कि तुम हमारे भी तंबू गाड़ दो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देते हैं। और डचेस बड़े प्यार से स्माइल करते हुए कुनखाओ को ही देख रही थी और कुनखाओ भी उसकी साइड को देख रहा था, और जिसको देखकर ब्राउनी अरे ब्लैकी को बोलता है अरे देख कुनखाओ मेरे को देख रहा है। एज यू नो ब्राउनी इज गे, बट ब्राउनी को भी रियलाइज हो जाता है कि वो डचेस को देख रहा है। इतने में डचेस उनकी तरफ हंसते हुए देखती है, उसके दांत में चॉकलेट लगी होती है, और उसके फ्रेंड्स भी लाइक अब समझ आया वो तेरी तरफ देखकर क्यों हंस रहा है, अपने दांत तो साफ कर पागल। कुनखाओ क्रैथिंग को बोलता है कि यार मेरे को लगता है शायद मैं डचेस को पसंद करता हूँ, तो मैं उसको कन्फेस कर दूंगा अपनी फीलिंग। ये सुनकर क्रैथिंग एकदम से शॉक हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। डचेस का गरीबों वाला अतीत जानने के लिए वो उसी गांव में आते हैं और वहाँ पर एंजल वन की हील खराब हो जाती है और वो टिश्यू पेपर ढूंढ रही होती है, और इतने में कोई लड़का उनको घूर कर देख रहा होता है और उनके पास आने लग जाता है, और इसी बीच एंजल वन की हील टूट जाती है। वो एंजल 3 की हील पहनकर वहाँ से भाग जाती है और एंजल 3 को वहीं छोड़ देती है। बाद में पता लगता है वो लड़का जस्ट उनको टिश्यू पेपर देने आया था और वो भी गे है। देन वो गांव में आगे जाती है और दो बेवड़ों को डचेस के बारे में पूछती है, बट वो उनको ट्रिक करते हैं कि पहले तुम ड्रिंक करो, हम तुम्हें तब बताएंगे। और एंजल 2 को ड्रिंक बहुत चढ़ जाती है और वो पागलों की तरह डांस करने लग जाती है। और इतने में वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है जो उन दो बेवड़ों की गर्लफ्रेंड थी, एंड वो कि क्या सीन है तेरा, हमारे बंदों को लाइन मार रही है। और उनमें एक छोटी सी डांस बैटल होती है जो बहुत ही फनी होती है, और एट लास्ट उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। आई मीन उन तीनों में डचेस क्रैथिंग से कुनखाओ के बारे में पूछती है, जिस पर वो गुस्सा होकर एकदम एडल्टली जवाब देता है, जिस पर डचेस गुस्से से उसको मारने लग जाती है, बट क्रैथिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। बट इतने में कुनखाओ वहाँ पर आ जाता है और वो डचेस को फ्लावर देता है, जिसको देखकर क्रैथिंग और जल जाता है और बोलता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। चश्मिश गांव में घूमने गया होता है, इसलिए वहाँ से वो जड़ी बूटियों वाला पानी लाया होता है कि ये शराब नहीं है, इसको पीकर बहुत एनर्जी आ जाती है, लाइक बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये ड्रिंक चश्मिश, ब्राउनी और डचेस पीते हैं। यहाँ ब्लैकी क्रैथिंग को नहाते हुए देखने गई होती है, बट इतने में वही एक अच्छा रूप एक बुरा रूप उसको रोकने की कोशिश करता है। इस चक्कर में ब्लैकी इतना कंफ्यूज हो जाती है कि क्रैथिंग नहा कर आ जाता है, और वो सोचता है शायद ब्लैकी को ना लूज मोशन लगे होंगे तभी वो ऐसे खड़ी है। अब उसे क्या पता वो तो उसे देखने के लिए आई थी, एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ब्लैकी भी हाँ कर देती कि हाँ। एंजल 3 एंजल 1 को सुबह से कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट एंजल 1 उसकी बात नहीं सुन रही थी। एंजल 1 बहुत घमंडी है और जो अपने से नीचे लोग हैं ना वो उनकी परवाह तक नहीं करती। बट बाद में एंजल 3 अपना फोन दिखाते हुए बोलती कि डचेस के फादर ने इंटरव्यू में खुद मानना है कि वो गरीब है, इसके थ्रू हम उसको रिच क्लब में एंटर करने से रोक सकते हैं। यहाँ चश्मिश और ब्राउनी पागलों की तरह नाच रहे होते हैं और ब्लैकी भी उनमें शामिल हो जाती है, वो भी नाचने लगती है। खाना खाने के बाद डचेस और कुनखाओ साथ में बर्तन धो रहे होते हैं और दोनों का हाथ टच हो जाता है और डचेस तो ऐसी खुश हो जाती है। बट इतने में बीच में क्रैथिंग आ जाता है और वो जेलस होकर उनके बीच में आ जाता है और उनके हाथों से बर्तन को लेकर फेंक देता है और कुनखाओ को बोल रहा होता है कि मेरे को भूख लगी है, लाइक मेरे को खाना दे। लाइक वो जानबूझ के कुनखाओ को डचेस से दूर कर रहा होता है। पीछे चश्मिश आग के साथ खेल रहा होता है और डचेस को एकदम से क्रैथिंग क्यूट लगने लग जाता है और वो आग मधुमक्खियों के छत्ते पर लगती है, इसलिए मधुमक्खियां भड़क जाती है और एकदम से सबको काटने लग जाती है और सब इधर उधर भागने लग जाते हैं। क्रैथिंग डचेस को बचाने के लिए एकदम से उसको टेंट में खींच लेता है एंड इसी बीच क्रैथिंग को एक मधुमक्खी काट लेती है, बट क्रैथिंग उसको मार देता है। क्रैथिंग डचेस से नॉर्मली पूछ रहा होता है कि तू ठीक है, बट डचेस को एकदम से क्रैथिंग क्यूट लग रहा होता है और उसको लग रहा होता है कि वो उससे बहुत प्यार से बात कर रहा है। इतने में कुछ आवाज होती है और डचेस क्रैथिंग की गोद में बैठ जाती है। लाइक दोनों में प्यारा सा आई कॉन्टेक्ट होता है। यहाँ ब्लैकी ब्राउनी चश्मिश के कैंप में आते हैं बचने के लिए। चश्मिश को ब्लैकी एकदम से बहुत प्यारी लगने लग जाती है और उसको मिशू करने वाला ही होता है, बट ब्राउनी उसको एक मुक्का मार के गिरा देता है और ब्राउनी ब्लैकी को लेकर वहाँ से अपने कैंप में जाता है और वहाँ पर ब्राउनी को ब्लैकी एकदम से बहुत क्यूट लगने लग जाती है एंड वो उसके हाथों पे मिशू करता है, देन जबरदस्ती करने लग जाता है एक तरह से उसके साथ। और यहाँ ब्लैकी पूरी शॉक हो जाती है कि इस गे को क्या हो गया, लाइक इसको कब से लड़कियों में इंटरेस्ट आ गया, एंड वो ब्राउनी को मारकर बेहोश कर देती है। यहाँ डचेस क्रैथिंग से एकदम से रोमांटिक होने लग जाती है कि अगर तू नहीं होता तो मेरा क्या होता, और अपने दोनों हाथों से क्रैथिंग का मुंह पकड़ती है और एकदम से उसको जाकर मिशू करती है। क्रैथिंग शॉक बट एकदम से डचेस को साइड करता है कि ओए तो ठीक तो है, एंड डचेस एकदम से बेहोश हो जाती है और क्रैथिंग उसको आराम से सुला देता है। इतने में खुनखावा आकर पूछता है कि तुमसे भी ठीक तो हो ना, और क्रैथिंग के लिप्स तो इतने मोटे मोटे हो जाते हैं कि पूछो मत। खुनखावा थोड़ा रूडली क्रैथिंग से पूछता है कि तूने डचेस के साथ कुछ किया तो नहीं, जिस पर क्रैथिंग बोलता है कि भाई कुछ नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रैथिंग ब्रश कर रहा होता है, इतने में डचेस उसके पास आती है और वो ऑकवर्ड होकर थोड़ा साइड हो जाता है और डचेस को कुछ याद नहीं होता कि रात को हुआ क्या था, जिस पर खुनखावा आता है और वो समझ जाता है कि डचेस ने शायद वो हर्बल वाली ड्रिंक पी ली होगी, कि वो हर्बल ड्रिंक बहुत स्ट्रॉन्ग थी इसलिए शायद इसको कुछ याद नहीं है। ये सुनकर क्रैथिंग को गुस्सा आ जाता है कि डचेस को कल रात का हुआ कोई इंसिडेंट याद नहीं, इसलिए वहाँ से एकदम से चला जाता है। बाद में डचेस को भी रात का सारा इंसिडेंट याद आ जाता है बट वो अपने फ्रेंड्स को कुछ नहीं बताती और खुनखाओ के साथ एकदम फ्रेंकली बिहेव कर रही होती है। बाद में खुनखाओ डचेस के पास जाता है और उसको पूछता है कि तुम मेरे को पसंद करती हो, लाइक अपनी फीलिंग्स नहीं बताता, उससे पूछता है और डचेस भी बताती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड खुनखाओ एकदम से डचेस को हग कर लेता है और क्रैथिंग भी वहीं पे होता है। एंड देन वो डचेस को मिशू करने वाला होता है और क्रैथिंग वहाँ से चला जाता है। देन हमें सीन वैन का दिखाया जाता है जहाँ खुनखाओ डचेस को बोल रहा होता है कि टेंशन मत ले, अब तू रिच क्लब में हो जाएगी, लाइक तेरे बैंक में बहुत पैसे हैं। क्रैथिंग जब उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देखता है इसलिए वो वैन में चुपचाप जाकर पीछे बैठ जाता है। देन डचेस रिच क्लब के मेंबर्स को अपने बैंक अकाउंट बैलेंस दिखा देती है एंड वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं रिच क्लब के मेंबर के रूप में। बहुत खुश होते कि फाइनली उसका सपना कंप्लीट हो गया। बट इतने में थ्री एंजल की एंट्री होती है जो डचेस का सारा अतीत बताती हैं कि ये पहले गरीब थी, लाइक ये स्लम एरिया में रहे हैं, एक बार इनके परिवार ने लॉटरी जीती थी तभी इन्होंने अपना सारा ये बिजनेस सेट करा है, और डैंक लैंग से अपना नेम चेंज करके इसने डचेस रख दिया ताकि इसको कोई पहचाने ना कि ये अच्छी फैमिली से नहीं है, इसको रिच क्लब का मेंबर नहीं बनने दिया जा सकता। डचेस का ये वाला अतीत सुनकर सभी मेंबर्स उसको बाहर जाने के लिए बोलते हैं कि तुम कोई रिच क्लब की मेंबर नहीं हो, यहाँ से जाओ। बट इतने में क्रैथिंग वहाँ पर आता है और डचेस के साइड से उन सभी को बहुत कुछ सुना देता है, क्या है तुम्हारा ये रिच क्लब, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, और डचेस का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। स्टोरी होती है कि वो अपने सपने के इतने करीब थी और एंजल बनने उसका सपना तोड़ दिया, उसका पास्ट एक्सपोज कर, और क्रैथिंग भी उसको बोल रहा होता है कि क्या ये रिच क्लब में जाने का तेरे को भूत चढ़ा हुआ है, तेरे को पता है हर अमीर इंसान अच्छा नहीं होता। इतने में एंजल 2 बाहर आती है और क्रैथिंग को डांटने लग जाती है कि तूने ये क्या स्यापा करा है, मैं पापा को सब कुछ बताऊंगी जो भी तूने यहाँ पे आज हंगामा करा है। यहाँ पे रिवील होता है कि क्रैथिंग एंजल 2 का भाई है और वो भी अमीर ज्यादा है, और ये बात उसने छुपाई हुई थी डचेस से। इस पर डचेस क्रैथिंग पर और चिढ़ जाती है कि तू रिच क्लब में मेरी एंट्री करवा सकता था बिना किसी पंगे के, बट तूने नहीं करवाई, जिस पर क्रैथिंग भी भड़क जाता है कि हाँ नहीं करवाई, नहीं मैं कभी करवाऊंगा, और ये तेरे को क्या कुछ चढ़ा हुआ है रिच क्लब जाने के लिए, चाहे तू कैसी भी है फिर भी तू किसी के लिए स्पेशल है। एकदम से उस पर भड़क जाती है कि तू मेरा दर्द नहीं समझ सकता कि तू गरीब नहीं है ना, मुझे पता है जब मैं गरीब थी तो लोग मुझे कैसे देखते थे, हमेशा मेरी गलती निकाली जाती थी, लाइक बहुत बचपन से बहुत पार्शलिटी होती थी। रोते हुए गुस्से से डचेस वहाँ से जाने लगती है बट क्रैथिंग उसको रोकने की कोशिश करता है, बट डचेस उसको धक्का मार के जाने लगती है और उसी के बाद उसको बोलती है कि सच कहा तूने, हर अमीर इंसान अच्छा नहीं होता, और क्रैथिंग सैड फेस से वहीं खड़ा रह जाता है। बैंक वैसे मैं लास्ट पार्ट कब अपलोड करूँ, पिछली वीडियो पे मेरे को रिस्पांस अच्छा नहीं मिला है। अरे मेरे को पता है आपको ड्रैगन स्टोरी अच्छी लग रही है बट स्टिल इसको भी देखो ना। वैसे किसी ने एक बात नोटिस करी, अगर मधुमक्खी काटती है जो उसकी स्वेलिंग आती है वो कुछ दिनों तक नहीं जाती, बट यहाँ पर मतलब क्रैथिंग की तो एक दिन में स्वेलिंग चलेगी, लाइक अलग ही लेवल यूज़ होता है, आई मीन अलग ही लॉजिक यूज़ होता है ड्रामा में, लाइक एक दिन में ठीक हो लिए।